गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक तैयार नहीं होना? तो तैयार ही होने के लिए बैठी हूँ। ऐसे कौन तैयार होता है? मैं गाइस, ये देखो, ये मेरी वैनिटी है, ये एक मेरी छोटू वैनिटी है जिसमें मैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट जैसे जो यूज करने होते हैं रेगुलर वो लगाती हूँ। बंद कर दिया मैंने इसको, तो मैं बैठी हूँ इसीलिए तैयार होने के लिए बैठी। तो ऐसे कौन तैयार होता है? मैं, ठंड बहुत है। देखो मेरा बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तैयार होके फिर बाहर निकलूंगी ना, थोड़ा सा मेकअप करके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तेरा दिल लग जाता है घर पे रोहित अकेला? जी। नक्कू भी स्कूल? नहीं, नक्कू भी तो मतलब आ ही जाते हैं जल्दी, दीदी आते हैं बस लेट। कोमल लेट आती थोड़ी सी है ना। नक्कू भी तो जल्दी आ ही जाते हैं। और तू तब तक ये मैच देखता है? किनके व्लॉग्स देखता है तू? ये क्रिकेट कार्डियो। क्रिकेट कार्डियो, तू सारा दिन इसी का व्लॉग देखता रहेगा। कोई ना, हम आते हैं थोड़ी देर में दवाई लेके, आज घर पे ही आएंगे। ठीक है, बाय। तो भाई हम निकल चुके हैं दवाई लेने के लिए, और मैं इनको बोल रही थी कि गर्मी में ऐसी दिक्कत तो नहीं आती। वैसे तो चाहे गर्मी कैसी भी हो, पर इन चीजों में तो गर्मी ठीक होती है ना, कि आप बीमार नहीं जल्दी से पड़ते ऐसे। अब तो बुरा ही हाल है ठंड से, सच में ठंड से बुरा हाल है। गाइस आप भी जेसीबी देख लो। पहले हम खड़े खड़े जेसीबी देख रहे हैं। गांव में जैसे होता था ना, जेसीबी आती थी, सारे भागते थे, क्या कर रहे हो, जेसीबी देखने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे जाम लगा हुआ है, बहुत ट्रैफिक है, हमने जाना पंचकुला, यहाँ चल रही है जेसीबी। ये एक चीज समझ नहीं आती, ये रोड बने हुए ना अभी कोई, मेरे को लगता है 6 महीने नहीं हुए थे, और दोबारा फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब पहले नहीं पता था, गवर्नमेंट भी ना पैसा फूंकती है। पहले इस चीज का नहीं पता था, यहाँ पहले फ्लाईओवर बनाना, पहले अभी ये रोड बनाया था 6 महीने पहले, अभी इस रोड को तोड़ रहे हैं, फिर इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाएंगे, है ना। तो ये तो हरियाणा में अपने इंडिया की गवर्नमेंट का खास बात है, एक रोड पकड़ लो पूरी उम्र निकल जाती है ठेकेदार की। ये देखो, ये अभी मतलब ये वाली जो चीज बने को ना, अभी 6 महीने नहीं हुए, अभी चला था ये मतलब ठीक तरीके से, दोबारा फिर तोड़ फोड़ के दोबारा फिर कर दिया। मतलब समझ नहीं आ रही, भी पहले ही पहले पैसा इतना लगाया, फिर हटाया, अब दोबारा फिर उसके ऊपर पुल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। और वो गाइस मैं आपको एक जिम दिखाती हूँ, यहाँ पे प्रिंस नरूला का जिम पीछे निकल गया, वो रहा वो। हाँ, मॉडर्न अखाड़ा दिख रहा है कहीं? मॉडर्न अखाड़ा आपको नहीं दिख रहा? आपको आपको तो दिख रहा है ना, उनको नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे प्रिंस नरूला का जिम है, और अभी हम जा रहे हैं पंचकूला। पहली बार इनके इंजेक्शन लग रहा है जिंदगी में, मेरे को लगता है कभी टेस्ट ही नहीं करवाया। गैरजनीश जी के एक बार टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद फिर मेरा करवाती हूँ मैं। बच्चे हो आप? बच्चों की तरह कर रहे हो, जैसे पेन होएगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कभी करवाया नहीं ना, खून दिया तो वैसे दो बार ब्लड तो डोनेट किए ही है ना। हाँ भाई, हम जा रहे हैं कहाँ? कुछ भी बोल दो गाइस। पता क्या हुआ था, मैं दवाई लेके और फिर उसके बाद गई सैलून, और सैलून पे आज इतना रश था ना, पूरा दिन की अभी बज गए रात के 10:30 हो गए हैं, और हम एक ढाबे पे खाना खाने गए सारे गए, तो बोलती है साथ में क्योंकि आज हमारा रोनी भी घर चला गया था, और इस टाइम मेरी भी तबीयत ठीक नहीं कि मैं घर जाके खाना बनाऊं, खाना बना खा के फिर जाएंगे। देख लो कैसे खुली जगह पे बैठे हैं आप। खाने में इधर साग कोफ्ता आ चुका है, इधर मक्की की रोटियां आ गई हैं, बड़ी है खाओ खाओ भाई, प्यारी सी रोटी आ गई है, खा लेते हैं सब और फिर चलते हैं। तो भाई आज रात को आके 9:30 हो चुके हैं, और रोहित बना रही है खाना। कैसा लग रहा है आपको इतनी सर्दी में खाना बनाते हुए? यार आज धुंध भी ऐसी पड़ी थी ना, वो तो इतनी धुंध हो गई है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपन बच्चों की छुट्टी भी जल्दी कर दी आज इस करके, और क्या 8:30 तो हो गए थे क्लाइंट से ही, आप आके बस अब 9:30 हो गए। मैंने सोचा खाना बना ले, रोनी हमारा क्या हुआ गाइस, कल आ जाएगा। रोटी भी ऐसे साथ ठंडी हो गई, बस मेरा दूध भी गर्म हो रहा है।
और वैसे ठंडे दूध में रोटी चूर के खाए ना, हाय 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 क्या आनंद आता है। आजकल कोई ठंडे दूध का है मौसम ठंडे दूध में? पहले मैं बहुत खाता था घर पे दूध में रोटी चूर के, ओए होए होए मजा ही आ जाता था। ओए होए 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 अब वो दूध भी घर का होता होगा जब। वो तो है ही, अब वो सिस्टम थोड़ी रह गया कि ये दूध सही नहीं आता, पता नहीं क्या। अब जैसा भी है इसकी आदत लगानी पड़ेगी, लगानी नहीं लग चुकी है बहुत साल हो गए ना। वो क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं। सेफो बड़े एक्शन में टांगे अंदर करके लेटा बैठा हुआ और ये डोलू इसके पीछे आ रहा है और इधर चल रही है पढ़ाई और साथ में लड़ाई। दो कर रहे हैं लड़ाई, एक कर रहा है पढ़ाई। तभी कहते हैं कि लड़के कभी ना हो, लड़कियां ही हो, कम से कम समझदार होती हैं। तेरे पे जाती है ये बात, तेरे बिग लगवानी पड़ेगी लंबी वाली लड़कियों वाली। तो पहले भी कोमल बोलती थी मामा कॉलेज बेकार है, अब बोल रही है मामा कॉलेज ज्यादा पढ़ाई करा रहे है ना उल्टा हो गया कोमल के साथ